हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल मालवीय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मालवीय मैथ्स क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज प्रतिशतता। स्टूडेंट्स, कल हमने परसेंटेज का पार्ट वन पढ़ा था, आज हम परसेंटेज का पार्ट टू पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट वन पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उन्हीं सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। हमारा आज का सेशन थोड़ा छोटा होगा, वीडियो थोड़ी छोटी होगी। अगर आपने पहले वाला सेशन नहीं देखा है, पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर वीडियो देख सकते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग में 8 बजे से आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, तो आप मॉर्निंग में 8 बजे लाइव आइए और करंट अफेयर पढ़िए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में सिक्सटीन इज टू 2/3 प्रतिशत की कमी कर देने पर किसी संख्या में 16 से ही 2/3 प्रतिशत की कमी कर देने पर संख्या 5,650 रह जाती है। मूल संख्या बताइए। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ ए नंबर डिक्रीज बाय 16:2% देन नंबर इज 5,650, देन मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या, स्टार्ट डिजिट बताना है हमें। तो हमने कल सीखा था स्टूडेंट्स, 16 से ही 2/3 प्रतिशत, 16:2/3% इक्वल टू 1/6 हमने सीखा हुआ है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया कि जो हमें नीचे दिया गया डिनोमिनेटर है हमारा, ये होता है हमारा मूल संख्या। क्या होता है? मूल संख्या। और स्टूडेंट जो ये ऊपर है इसका मतलब है चेंज। अब आप ये तो देख, चेंज हुआ क्या है? संख्या में कमी हुई है। क्या हुआ है? कमी, यानी कि माइनस। अगर मैं सीधे शब्द में कहूं तो मेरी जो नंबर था वो 6 पार्ट में था, माइनस वन की कमी हो गई, डिक्रीज हो गया, तो मेरा नंबर कितने पार्ट में पड़ा बचा? 5 पार्ट। 6 पार्ट की, 5 पार्ट की वैल्यू दी गई है 5,650 और 6 पार्ट की बता दी, तो क्या आएगी स्टूडेंट्स? 5,650 इंटू 6 अपॉन 5। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? तो कितनी बार जाएगा? 1,1,3 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6,0,0, 6,3,18, 6,1,6 और 1,7, 6,1,6 यानी हमारा जो डिजिट था, हमारा जो नंबर था, संख्या थी कितनी थी? 6,780। क्लियर है स्टूडेंट्स? कर पाएंगे? आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 6 × 2/3% की वृद्धि कर देने पर, किसी संख्या में 6 से ही 2/3% की वृद्धि करने पर संख्या 48,000 हो जाती है। स्टूडेंट, इस बार हमने वृद्धि की है, यानी ऐड किया है, प्लस इंक्रीज। उसमें कितना इंक्रीज किया है? 6 × 2/3%। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने कल सीखा था, एक बार और बता देता हूं आपको, 6 × 3 = 18 और 2 = 20/3। अगर मुझे परसेंटेज को हटाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम्स। कितना आएगा? 1/15। प्लस या माइनस? वृद्धि हुई है प्लस। यदि स्टूडेंट्स मेरी संख्या 15 पार्ट में थी, एक पार्ट बढ़ गया तो कितने पार्ट में हो गई? 16 पार्ट में। स्टूडेंट्स 16 पार्ट की वैल्यू दी गई है 48,000 और मुझे 15 पार्ट की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट्स दोबारा समझ लीजिए, जिसकी मुझे वैल्यू बताना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी वैल्यू बतानी है? 15 पार्ट की, और जो मुझे पहले दिया गया था, जो गिवन है, उससे डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार डिवाइड होगा? 3 टाइम्स। 15 3 = 45, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स?
45,000। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? एक क्वेश्चन और ले, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आय 385,200 थी, आय में 66 सही 2/3 63:2/3% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है आई, तो आय कितनी हो जाएगी? क्लियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। मैंने आपको कल बताया वृद्धि हुई है कितनी, 66:2/3%। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने सीखा है क्या आएगा 2/3। एक बार और समझते हैं 2/3 कैसे आएगा, 66 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 198, इसे ऐड कर देंगे कितना आएगा 200/3। परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड किससे होगा, 100 से, ये इससे कट जाएगा कितना आएगा 2/3। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हमारी जो संख्या थी कितनी थी, वो 3 पार्ट में थी, 2 पार्ट की डिक्रीज हो गई। हमारी संख्या कितने पार्टों में थी, हमारी संख्या 3 पार्टों में थी, 2 की वृद्धि हो गई कितने पार्टों में हो गई, 5 पार्टों में। क्वेश्चन यही दिया है कितनी आई थी उसकी, 3 पार्ट की वैल्यू 385,200 और 5 पार्ट की वैल्यू बताने, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जिसे हमें बताना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो दिया गया था गिवन है उससे डिवाइड कर देंगे। कितनी बार डिवाइड होगा, 3 1 जा, यहां पे डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 28, 3 4 जा 12। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0, 4 5 जा 20, 4 5 8 जा 40 और 2 42, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 1 6। क्लियर है स्टूडेंट्स, 6,22,000। क्लियर है, आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के प्री लेवल तक पूछे जाते हैं, मेंस में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ एसएससी सीएचएसएल और कॉन्स्टेबल लेवल के एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चंस उठते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टाइप 3। हमने जो क्वेश्चन किए वो टाइप 1 और टाइप 2 के थे, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइप 3। ये टाइप 3 क्या है, टाइप 3 है जब संख्या में प्रतिशत की कमी या वृद्धि, हमारा नेक्स्ट टाइप है जब क्या हो, संख्या में परसेंट की प्रतिशत की कमी हो या वृद्धि हो। आइए समझते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए पहले बेसिक समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास 200 रुपए है, या मेरी इनकम है कितना है 200 रुपए, किसी कारण से मेरी इनकम 10% इंक्रीज हो गई, 10% बढ़ गई। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, हमारी आय हमेशा 100% होती है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जो अस्तित्व में है वो 100% होती है, तो मेरी यहां पे आय कितनी है, जो भी है कितनी है 100%, 10% बढ़ गई, तो 100% थी 10% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 110%। तो स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा यहां पे 110% हो गई। फिर उसने कहा स्टूडेंट्स मेरी आय दोबारा 10% बढ़ गई तो कितना हो जाएगा फिर 110%। यानी कि अगर आय में वृद्धि हो रही है तो हम उसे ऐड कर देंगे। फिर उसने कहा मेरी आय 10% कम हो गई, यानी माइनस हो गई, और देखिए 100% थी 10% कम हो गई तो कितना आएगा 90%, यानी कि आएगा जो है 90%। क्लियर है स्टूडेंट्स, कर पाएंगे, आइए क्वेश्चन करते हैं। तो हमें करना क्या है, 200% हटता है यानी कि 1/100 यानी कि 110/100 और 90/100। क्लियर है, ये इस टाइप का बेसिक है। हमें क्या करना है, अगर मैंने कहा 10% की वृद्धि
तो यानी कि 1/10 की इंक्रीज, यानी 11/10, मैंने कहा 10% की कमी, यानी -11/10, यानी कि 9/10, यानी यहां पे 11/10, यहां पे 9/10, कर पाएंगे? क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। राम की आय 50,000 रुपए थी, आय में पहले 20% की वृद्धि, पुनः 10% की कमी कर दी जाती है। अब राम की आय कितनी होगी? क्वेश्चन है, राम की आय कितनी थी? 50,000। उसने कहा राम की आय में 20% की वृद्धि, पहले क्या हुआ? 20% की वृद्धि, फिर क्या हुआ? 10% की कमी, 10% की कमी। तो अब राम की आय कितने? बच्चों हम पढ़ चुके हैं 20% की वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5, यदि राम की आय 5 पार्ट में थी, एक पार्ट बढ़ गई तो कितना हो गया? 6/5। फिर उसने कहा राम की आय में 10% की कमी हो गई, 10% का मतलब है 1/10। हम पिछले पार्ट में सीख चुके हैं सारी बातें, 10% का मतलब है 1/10, यानी कि 1/10, 10 इनकम थी, 1 कम हो गई तो क्या बचा? 9/10। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए सॉल्व करते हैं। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 10,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? और 10 से 10, क्लियर है? तो कितना आएगा? 9 6 54। तो अब राम की इनकम कितनी हो गई? 54,000। क्लियर है? एक क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, उसकी इनकम, मैं क्वेश्चन ऐसे सिंपल लिख देता हूं, समझ तो जाएंगे आप। एक व्यक्ति है, उसकी इनकम 1,20,000 रुपए है, पहले उसकी इनकम में 25% की वृद्धि हुई, फिर उसकी इनकम 16/2/3% कम हो गई, तो अब उसकी इनकम कितनी होगी? क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। एक व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है? 1,20,000 रुपए, इनकम पहले 25% कम हो गई, डिक्रीज हो गई, सॉरी इनकम पहले 25% इंक्रीज हो गई, वृद्धि हो गई, उसके बाद इनकम 16/2/3 16:2/3% कम हो गई, डिक्रीज हो गई, ये कमी कमी कमी, और ये है वृद्धि। आप सीख चुके हैं स्टूडेंट्स, 25% 25% का मतलब होता है 1/4 प्लस, यहां पर कमी है इसका मतलब होता है 1/6 इसका। मेरी इनकम है 1,20,000 इंटू क्या है? मेरी इनकम 4 पार्ट में थी, एक पार्ट बढ़ गई तो कितना आया? 5/4। क्लियर है? नेक्स्ट, मेरी इनकम 6 पार्ट में थी, 1 पार्ट की कमी हो गई तो कितना आया? 5/6। क्लियर है? अब आइए डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड होगा कितने बार? 20, 6 × 12। क्लियर स्टूडेंट्स? 4 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? 5। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 5 125। कितनी इनकम आई स्टूडेंट? 1,25,000। क्लियर है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कर पाएंगे?